देखो जी, बदकिस्मती है साड़ी, बदकिस्मती है। तो सब तो जो दुखदाई होंगे ना इस तरह के मामले होंगे। हूँ 35 लाख रुपए की ठगी इन्हें मराली, 1285 दिन नहीं मराली, सब कुछ बर्बाद हो गया। माल डंगर तक वेच गया जी, इसों तक वेच वेच के व्याज लसदा, पर नहीं व्याज लसदा, व्याज नहीं लथा लसदा अज तक। तो मुंडा भी बाहर नहीं? हाँ, मुंडा भी नहीं बाहर गया। इतने 35 लाख रुपया दिता है। की क्या गया सी तुहानू? क्या गया है भी कनेडा तेरा बच्चा जाऊगा, कनेडा जाऊ मेरा भी बच्चा उत्थे, तो तेरा भी उत्थे जाऊगा। तो बाद विच ना कोई पता लगा, बाकी गाड़ियों मुड़ के धमकियां देन लग पे। मैं अज मान साहब नू ना मैं छोटी जी बेनती करना चाहना, मान साहब इत्थे बदला लोगों ने इस करके नहीं लिया भी लोग दुखी सी। मैं इस पक्ष च नहीं हाँ, मैं चलो इस विषय च पैना ही नहीं चाहता। बदला उदन आऊगा जिदन इन्हों के चेहरिया के उपर खुशी आऊगी, इन्हों इंसाफ मिलेगा, थाणियां दे विच इंसाफ मिलेगा, कोर्टां दे विच इंसाफ मिलेगा। एस एस पी साहब जी इहो ही धक्के खाणे आ, 3 फुट का रस्सा इस थाने दे बूहे गाड़ी ला दो, 3 फुट रस्सा वह चौंकी दे अग्गे ला दो, भी जदों इन्हां नूं आयां नूं इंसाफ ही कोई नहीं मिलना, उस रस्से इन्हां नूं लमका के फा दिता जाए। कम से कम इन्हां नूं रोज़ मरन नूं एक दिन तो बेचारे मर के सौखे हो जाण। पंजाब दे विच नौजवानों नूं विदेश जाण दा जरा है एक ट्रेंड लगातार वधदा जा रहा है, लेकिन इस दे विच हुण ठगी दे मामले भी लगातार वध रहे ने। वेखण च सामने आ रहा है कि जिहड़े भोले भाले लोग ने इस ठगी दा शिकार हो रहे ने। ते असीं इस वक्त अमृतसर दे हलका जंडियाला विखे खड़े हाँ, जिथे कि किसान भरावां दे नाल ठगी वजी है। तुसीं देखो कि एक आम परिवारां दे जिहड़े लोग ने वह एक वड्डी ठगी का शिकार होए ने। तां तकरीबन 2 परिवारां दे नाल तकरीबन 45 लाख की ठगी जिहड़ी वजी है। तो उस मामले नूं लै के इन्हां कोल सिर्फ एक FIR तो अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस मामले दे विच कोई भी दोषी गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो इन्हां नाल असीं गल्लबात करांगे। भाई साहब, की होया सी सारा मसला, किवें तुसीं अपने बच्चे नूं कहड़ी कंट्री भेजण वास्ते पैसे दित्ते सी, किन्ने पैसे दित्ते सी? भाई जी, कनेडा भेजण वास्ते दित्ते सी जी। उसका लड़का कनेडा ही रहिंदा, कनेडा भेजण वास्ते मतलब कि अपनी पैली गहने पा के लिमिट बना के, तो मैं मतलब कि पैसे दित्ते सीगे व्याजी चुक के। फिर कुछ मैं अपने 10 लाख अपने भरा को इन्हें जमीन बेची हैगी, ये को ले आधारा फड़ के तो फिर दते पैसे। तो कोई मतलब कि ये फरार हुए आ, 6 महीने हो गए परचा इनू, तो फरार हुए आ। किन्ने पैसे दते जी? 35 लाख रुपया। किन्ना? 35 लाख रुपया दिता है। की क्या गया सी तुहानू? क्या गया है भी कनेडा तेरा बच्चा जाऊगा, कनेडा जाऊ मेरा भी बच्चा उत्थे, तो तेरा भी उत्थे जाऊगा। तो बाद विच ना कोई पता लगा, बाकी गाड़ियों मुड़ के धमकियां देन लग पे जानों मारन दियां, जे पैसे मंगे तो मतलब भी तुहानू गोलियां ना पौंदांगे, इतों तक धमकियां देन लग पे गाड़ियों। तो सिर्फ तुहाडे कोई FIR ही है? FIR आई है। FIR तुसीं वेखो हाथ 'च फड़ के बैठे ने, तो अमाउंट भी लिखी गई है कि किवें 2 टर्म दे विच पहला 23 लाख दिता गया, तो उस तो बाद ये वर्डिंग तुसीं देखो कि बलजीत सिंह जिसनों की 12 लाख रुपए ये दिते गए, तो 23 लाख रुपया एक तरीके ना दिता गया। तो ये तस्वीर तुहानू सांझी कर रहे हैं, तो FIR जिहड़ी है वह भी तुहानू सांझी कर रहे हैं कि जंडियाला पुलिस स्टेशन दे विच FIR जिहड़ी है दर्ज की गई है। तो इस परिवार को 35 लाख की ठगी कल्ले एक परिवार के नाल वजी है। भाजी, बहुत दुख लगता जो यहाँ इस तरह, किन्ना कि दिक्कत आई पैसे इकट्ठे करने? भाजी, बहुत दिक्कत आई है जी, व्याजी पैसे सारे पड़े। जड़ी कोई फसल होंगी आ कोई भी, सारे मतलब कि व्याज नहीं लसदा, फसल वेच के आई दा, कणक वेची दी, झोना वेची दा, जो भी वेच के आई दा 6 महीनों पिछों, उसका व्याज नहीं लसदा। उल्टा व्याज दे कर्जे च फस गए? हाँ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया, माल डंगर तक वेच गया जी, इसों तक वेच वेच के तो व्याज लसदा, पर नहीं व्याज लसदा, व्याज नहीं लथा लसदा अज तक। तो मुंडा भी बाहर नहीं? हाँ, मुंडा भी नहीं बाहर गया। इतने आते गाड़ियों संघ जानों मार दियाँ, धमकियां देंगे। तो एक होर परिवार ने तुसीं वेखो हाथ दे विच कागज़ लैके बैठे ने, तो बैंक दीआं डिटेलां उन्हां कोल मौजूद ने कि जिस बैंक राही पैसे दिते गए सन, तो मामला पुराना है लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। भाजी, किन्ने पैसे तुहाडे? मेरा 1285 सर। ਕੀ ਕਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਜੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ, 2 ਜਵਾਈ ਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੱਚਾ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
तो इन्हों नाल तुसीं देखो कि तकरीबन असीं कह सकते हैं कि जिहड़ी ठगी की अमाउंट है वह 40 लाख 45 लाख तो भी उत्ते ने जी 45 लाख तो साडे नाल किसान आगू भी मौजूद ने। भाई साहब किवें मसला तुसीं लैके आए हो की किदां दी पंजाब जिस तरह की ठगियां वज रही हैं? एक बन्ने असीं पंजाब नूं खुशहाल दी करन किसान वैसे ही कर्जे हेठ है उहदी लड़ाई किसान लड़दा है तो दूजे बन्ने विदेश भेजण दे नाते जिस तरह तरह ठगियां वजदी की कहोगे? वेखो जी बदकिस्मती है साडी, बदकिस्मती है ते सब तो जिहड़ा दुखदाई हुंदा ना इस तरह के मामले होंदे आ। हुण 35 लाख रुपए की ठगी इन्हां मराली 1285 दी इन्हां नहीं मराली। हुण एक तो वेखो बिजनेसमैन बंदा उहने बिजनेस करना तो उहने उहदे चों कोई लाह लैणा, 35 लाख रुपया इन्हां ने दे के ठगी मरवा ली ते ठगी मरवा के इन्हां ने फसल बीजी ते फसल बीज के इन्हां ने यह कहना भी असीं घर लई कुछ नहीं बनाउणा, ब्याज देण तक ही आत रहा ब्याज दे फसल पूरी नहीं हुंदा ब्याज पर फिर भी लोगों को चुके रहिंदे। हुण बदकिस्मती ये आ, मैं अज मान साहब नूं ना मैं छोटी जी बेनती करना चाहुंदा, मान साहब इत्थे बदलाव लोगों ने इस करके नहीं लिआंदा भी लोग दुखी सी, मैं इस पक्ष च नहीं आ, मैं चलो इस विषय च पैणा ही नहीं चाहुंदा। बदलाव उदन आऊगा जिदन इन्हां दे चेहरिआं दे उपर खुशी आऊगी, इन्हां नूं इंसाफ मिलेगा, थाणियां दे विच इंसाफ मिलेगा, कोर्टां दे विच इंसाफ मिलेगा। ठगी एक इहो जी चीज़ है ना भी वह तुहानूं रात नूं सौण वी नहीं दिंदी। किन्ने साल पुराना परचा है जी जिहड़े दोनों परचे जिहड़े दर्ज कीते? इन्हां नूं वीर जी 6-6 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए परचा दर्ज होया। जे चौंकी जांदे आ ते चौंकी इंचार्ज अज फड़दे आ कल फड़दे आ, जे SSP को चल जाओ वो SSP को चल जाओ, IG को चल जाओ, एंड ते आ गए पता की एक छोटा जिहा क्वेश्चन करदे आ चौंकी इंचार्ज साहब, कहिंदे आ जी साढ़े वस की गल नहीं आ, तुसीं ETO साहब को चल जाओ। हुण मैं पुछना चाहुंदा भी ETO साहब बदला ते फिर कुछ भी नहीं आ, इहो चिट्ठे जिहड़े आ ना इहो कुछ ही पिछलियां सरकारां करदियां सी भी साढ़े को न्याणी आ मंत्री साहब को फोन करा दो। सो इन्हां चीज़ां चों उठो, इन्हां लोकां नूं इंसाफ दवाओ, इन्हां नूं मतलब ये इन्ना दर्द आउंदा ना इन्हां वेख के। एक टाइम यह भी सी भी इहड़े बजुर्ग खलोते आ ना, इन्हां ने यह भी चाहिया भी मैं खुदकुशी कर ली है, फांसी तक फाह लाउण तक गए ते ओ बजुर्ग आ, इन्हां को गोड्यां तों नहीं तुरिया जांदा। बिल्कुल, तो तुसीं वेखो कि एड्डे माड़े हालातां दे विच इह मतलब भी फिर भी इन्ने धक्के तोड़े खाण डिया पुलिस स्टेशन थाणियां दे इस मसले दे विच 6 महीने हो गए मैं धक्के खाण डिया, जे साडे चंगे भलियां दे करके इन्हां दी सुनवाई नहीं होण डई ते इन्हां विचारियां दी की सुनवाई होण डई? भाई जी कोई पुछदा तुहानूं ना जी? कोई नहीं पुछदा जी, आई दा गेड़े गुड़े ला के चले जाईदा, कोई नहीं मतलब पुछ के मन रोंदा। हाँ जी दिल रोंदा तुहाडा। हाँ जी सब कुछ बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया जी, हुण तां आखी दा आत्मा त्याग कर ली वो चंगा जी। तो पुलिस वाले की कहंदे की है? पुलिस वाले ने की कहना, वह आख देंदे कब जदों आए काबू आउणगे फड़ लांगे बस इदां ही। 6 महीने 1.5 साल हो गया, मतलब भी उन्होंने परिवार ने ही उस बंदे नूं भजाया घरों ते मतलब भी इहें कहिंदे रहे उदों भी इन्हां नूं फड़ो काबू करो इन्हां नूं ते कोई नहीं पुछ गिछ मतलब भी होई। बिल्कुल, तां तस्वीरां तुहानूं असीं सांझियां। एक बेनती हो फिर वेखो, जे इस बंदे ते परचा दर्ज आ, जिस बंदे ते FIR दर्ज आ, वह थ्रैट कर दिया इन्हां नूं इंस्टा दे उत्ते, बार बार एक महीना हो गया धमकियां देण दिया भी जे तुसां FIR वापस ना लई सानूं तंग करनो ना हटे, बार बार थाने जाणो ना हटे, चौंकी जाणो ना हटे, तो असीं तुहाडा परिवार भी मारांगे ते तुहानूं भी मारांगे। इस संबंध दे विच मैं SSP साहब नूं भी मिला ते अज सत्कारयोग SHO साहब नूं मिला। चलो मेरी बेनती यह है भी मरना तो सारे ही आ, पर मैं सवाल यह करदा भी SSP साहब जे इहो ही धक्के खाणे ते 3 फुट का रस्सा इस थाने के बूहेगाड़ी ला दो, 3 फुट रस्सा वह चौंकी के अगे ला दो भी जदों इन्हां नूं आयां नूं इंसाफ ही कोई नहीं मिलना, उस रस्से इन्हां नूं लमका के फाह दिता जाए, कम से कम इन्हां नूं रोज़ मरन नूं एक दिन तो बेचारे मर के सौखे हो जाए। जे इन्हां दी तस्वीरां तुहानूं सांझी कर रहे हैं तो यह परिवार तुसीं इस वेले दोनों अपने TV स्क्रीन पर देख रहे हो कि 45 लाख तो वध ही ठगी इन्हां नाल वजी है, लेकिन फिलहाल इंसाफ मिलता होया नज़र नहीं आ रहा है। तो हुण देखने की कहना पुलिस के अधिकारियों, अधिकारी साडे नाल मौजूद ने। सर की मामला जी जिहड़ी है एक विदेश भेजण दे नां दे उत्ते किसान भरावां नाल ठगी हुई है? इहदे विच किसान वीर आए सी मेरे को, इन्हां दा FIR दर्ज हुई है ते पहला भी इहदे विच बंदे नूं गिरफ्तार करन दी कोशिश की, फिलहाल भगौड़े ने ते दोनों ही FIR साडे को दर्ज ने। मेरिया जिहड़ियां तफ्तीशी अफसर ने जां मेरिया टीमां ने उन्होंने मैं बड़ा स्ट्रोंगली इंस्ट्रक्शन दिती है भी जी इन्हों ठगी बजी आ बच्चों विदेश भेजन के नाते, किसी ने अपनी जमीन गहने रख के की है, किसी ने प्रॉपर्टी गहने रख के या वेच के बच्चों भेजा, तो जल्द तो जल्द बंदे गिरफ़्तार करके तो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करा जी। पर सर ये लखां की ठगी है पर हाले तक कोई दोषी गिरफ़्तार नहीं होया,
वो कहते कि परचा भी दर्ज हो चुका लेकिन दोषी नहीं फड़े गए। मैं सारिया संबंधित जिहड़ियां फाइलां ने दोनों मंगवा लिया वा, तफ्तीशी अफसर भी बुला लिया जी, तो वाकया ही नहीं गिरफ़्तार होए। मैं बहुत जल्द इन्हां दी दोषियों की गिरफ़्तारी भी करावांगे ते कोर्ट च पेश करांगे, चलान देंगे ता जो इन्हां नूं शरीफ ते गरीब बंदियां नूं इंसाफ मिल सके जी। बिल्कुल, तो एहसान पुलिस के अधिकारी जिन्हां ने दस्सिया कि किस तरीके दे नाल इन्हां नाल विदेश भेजण दे नां दे उत्ते लखां दी ठगी कीती गई, तो इस मामले दे विच छेती ही दोषियों नूं काबू किया जाएगा, तो क्योंकि जरा बंदा हक इन्हां नूं दवाउण की कोशिश की जाएगी, लेकिन जल्द ही जल्द जी है इस बहुचर्चित मामले गिरफ़्तारियां हुण होने की उम्मीद जागती नज़र आई है। कैमरामैन जिंदे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।